सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ आई मेड माय बेडरूम टेक्नो ट्रैक लाइक विल स्पार्क्स, हॉली जेम्स एंड मैडिक्स। अगर आपने मेरा गाना अभी तक नहीं सुना है होल्ड माय हैंड, तो ये रही उसकी एक छोटी सी झलक, छोटा सा डेमो, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग आज की वीडियो में क्या देखेंगे। सो हियर वी गो। सो हेलो प्रोड्यूसर्स, दिस इज एक्सपीडियो म्यूजिक, और इस चैनल पे हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मेक फेस्टिवल म्यूजिक, फेस्टिवल ईडीएम म्यूजिक। सो अगर आप ऐसे किसी म्यूजिक को बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली हैं ऐसे टॉपिक्स पे। और जैसे कि आपने डेमो में देखा ही होगा कि मैंने काफ़ी यूनिक बेडरूम ट्रैक बनाया है, क्योंकि आज बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बेडरूम बना रहे हैं एंड वी हैव टू डू समथिंग यूनिक, ताकि हमारा बेडरूम ट्रैक सबसे अलग लग सके। और आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हाउ आई मेड दैट ट्रैक। और अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको सुनिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, लव दीजिए। या दैट्स इट, और चलते हैं स्ट्रेट अप स्टूडियो में, देखते हैं कि कैसे बनाया था। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट फाइल, और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को दो पार्ट में बनाऊँ, क्योंकि अगर पूरा ट्रैक एक ही वीडियो में दिखाऊँगा तो वीडियो शायद बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ ड्रॉप देखेंगे, बिल्डअप देखेंगे, दोनों ड्रॉप और दोनों बिल्डअप देखेंगे क्या सेकंड ड्रॉप में चेंजेस किए मैंने, और ब्रेकडाउन, इंट्रो, आउट्रो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं ड्रम्स से। ये है ड्रॉप वन, और ड्रम्स में देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव किक, लेट्स सी हाउ इट साउंड्स। सो काफ़ी अच्छी बेस एंड काफ़ी अच्छी किक एंड बेस है। ये मुझे पेट्रियन पैक में मिलती है ऑली जेम्स के, और वन ऑफ माय फेवरेट किक्स में से एक है ये। एंड वी हैव एसिड शॉट्स एंड सम ईयर कैंडीज की तरह है एसिड शॉट, देखो। देन वी हैव सम क्लैप्स। देखते हैं किक के साथ कैसे साउंड करती है। और सेकंड हाफ में मैंने कुछ लूप्स ऐड किए हैं, देखते हैं क्या है। तो ये इंडिविजुअली कुछ ऐसा साउंड करता है। तो एक टॉम है, थोड़ा ग्रुप को और बढ़ाने के लिए यूज किया है। मिक्स में काफ़ी पीछे है, बहुत कम वॉल्यूम है। सेकंड लूप है ये, सो या दैट्स इट फॉर द ड्रम्स। एसिड शॉट ड्रम्स नहीं है, पर पता नहीं मैंने क्यों से ड्रम्स में लगा दी। प्रोसेसिंग भी इन सब के ज़्यादा कुछ नहीं हुई है। किक में मैंने थोड़ा बहुत EQ किया है, बेस बढ़ाया है, क्योंकि व्हाई नॉट, वी ऑल लव बेस। ड्रॉप के सेकंड हाफ में वी हैव वन हार्प एज वेल, ये देखते हैं कैसे ये साउंड करती है। मैंने इसको कट ऑफ करके फेड इन किया है, बिकॉज डायरेक्टली हम नहीं चाहते इसको आ जाए ड्रॉप में। उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी देख लेंगे अभी। नथिंग टू फैंसी। इसकी प्रोसेसिंग में सबसे पहले लगाया है EQ, लोज और हाई सारी काट दी है, क्योंकि हम इसे मतलब मिक्स में बहुत पीछे चाहते, एकदम फ्रंट में नहीं चाहते। A1 स्टेरियो कंट्रोल, इसकी स्टेरियो फील्ड कंट्रोल करने के लिए। रिवर्ब, काफ़ी ढेर सारा रिवर्ब, जैसे कि आप देख सकते हैं बैठना काफ़ी ज़्यादा है। और OTT 32% काफ़ी ज़्यादा। और ये ऑटोमेशन करने के लिए, जैसे अभी आपने देखा ही था। और किक स्टार्ट साइड चेन के लिए, लेट्स सी पूरी प्रोसेसिंग अगर हटा देंगे तो कैसे साउंड करेगी। विद प्रोसेसिंग ह्यूज चेंज। बारी आती है अब स्टैप्स की, देखते हैं स्टेप्स कैसे हैं।
नॉर्मल स्टेप्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और एक ये वोकल, रिवर्स वोकल लगा है थोड़ा एटमॉस के लिए। लेट्स सी कि सारे ड्रम्स के साथ ही कैसा साउंड करेगा। कूल, ये एक छोटी सी फिल बनाई थी मैंने ड्रॉप में, ड्रॉप के फर्स्ट हाफ जब एंड होता तब। मोस्ट ऑफ द सैंपल्स जो है वो ऑली जेम्स के पेट्रॉन पैक में से ही हैं। अगर आप ऑली जेम्स को फॉलो नहीं करते या उसके ट्यूटोरियल्स नहीं देखते तो देखिए, बिकॉज बहुत ऑसम प्रोड्यूसर है एंड आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। शाउट आउट टू ऑली जेम्स। एफएक्स में एक ये क्रैश है, वो डाउन लिफ्टर, दिस अपलिफ्टर, सेम ही है। जब जो डाउन लिफ्टर है उसी को रिवर्स करके अपलिफ्टिंग बना दिया, और सेकेंड हाफ में जो फिल है उसमें थोड़ी सी एक एलिमेंट और ऐड कर दिया है। या दैट्स इट फॉर द एफएक्स एज वेल, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ की फर्स्ट ड्रॉप में। अब मेन चीज देख लेते हैं जो कि है ड्रॉप लीड, क्योंकि ड्रॉप लीड बहुत ज़्यादा यूनिक साउंड कर रही है इसमें। सो लेट्स सी हाउ आई मेड इट। मैंने कंसोलिडेट कर रखी है ड्रॉप लीड, पर अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे बनाया। तो ये सेकेंड नंबर पर है, सेकेंड पैटर्न में ड्रॉप लीड। लेट्स सी सारी चीज़ें इंडिविजुअली कैसे साउंड करती है, सारी लेयर्स। ये इसलिए ऐसे सुनाई दे रहा है क्योंकि सारी प्रोसेसिंग अभी मैंने ऑफ कर दी है। फर्स्ट लेयर देखते हैं कैसी साउंड कर रही है। ये वाली लेयर जो है वो थोड़ी लो मिड्स की प्रेजेंस बढ़ाने के लिए है। ये थोड़ा अटैक के लिए, एंड दिस वन, यही हमारी मेन साउंड है। लेट्स सी हाउ दिस साउंड टुगेदर, पर बिना प्रोसेसिंग के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो प्रोसेसिंग देख लेते हैं मैंने क्या किया। तो ये साउंड, इसमें स्टीरियो फील बहुत कम रखी है और ईक्यू में भी जो इसकी बहुत ज़्यादा जो इसकी मेन फ्रिक्वेंसी थी उसको बढ़ा के हाई को कट कर दिया है। दिस वन, फिर से स्टेरियो फील्ड कम की है और इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट किया है। दिस इज आवर मेन साउंड। इसकी स्टेरियो फील्ड को बड़ा रखा है इसीलिए बाकी सारी चीज़ों की स्टेरियो फील्ड को कम कर दिया ताकि मेन साउंड के साथ क्लैश ना करें। सैटर्न थोड़ी बहुत सैचुरेशन बढ़ाने के लिए, एंड प्रो की 3 नेसेसरी फ्रिक्वेंसीज को बूस्ट करने के लिए। और ये तीनों साउंड बाद में जा रही है एक लीड बस में जिसमें सारी मेन प्रोसेसिंग है। एक एक करके देखते हैं कि सबसे क्या फर्क पड़ता है। सो फर्स्ट वी हैव कैमल क्रशर। इसी से मेन लाउडनेस मिल रही है साउंड को। देन OTT 19%, ब्लड ओवरड्राइव, वन ऑफ माय फेवरेट प्लगइन फ्रॉम FL स्टूडियो। देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो रहा साउंड में इससे। इनसेन चेंज। फिर से एक सैटर्न सैचुरेशन के लिए। प्रो क्यू 3 थोड़ी हाई इसको बढ़ाया है क्योंकि डिस्टॉर्शन वगैरह करने के बाद हाई फ्रिक्वेंसी में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है इसलिए। बाकी द ग्लू कंप्रेशन ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ग्लू हो जाएं और सारी चीज़ें एक पैक में अच्छे से साउंड करें।
पीक कंट्रोलर रिवर्ब और डिले को कंट्रोल करने के लिए, वो भी दिखाएंगे कुछ सेकंड में। साइड चेन, किक स्टार्ट और 50 फिल्टर बिल्डअप में जो है ऑटोमेशन के लिए। मैसिव चेंज प्रोसेसिंग से देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। और ये पूरी लीड बस जो है आप देख सकते हैं कि जा रही है इसमें रिवर्ब चैनल में, रिवर्ब एंड डिले। 8 एकॉस्टिक रिवर्ब मैंने यूज़ किया, WNW प्रीसेट और डिले, पिंग पोंग डिले यूज़ किया। अब देखते हैं कि रिवर्ब और डिले से क्या फ़र्क पड़ता है। आप देख सकते हैं रिवर्ब और डिले ऐड करने से कितना ज़्यादा चेंज है, बिल्कुल एपिक बना दिया साउंड को। सो रिवर्ब एंड डिले आर लाइक वन ऑफ माय फेवरेट एफएक्स प्लगइन, और मुझे पसंद है ज़्यादा रिवर्ब, पता नहीं क्यों एपिक फील आती है उससे। सो अल्टीमेटली ये हमारी मेन ड्रॉप लीड सॉन्ग बनी थी। सो देखते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ कैसे साउंड कर रही हैं। I love this track man, one of my best production till the day. Second drop में बहुत ज़्यादा change नहीं है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं drums में कुछ loops पहले ही introduce कर दिए हैं। और lead में भी pitch automation की है। नथिंग स्पेशल। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ऐड की वो सबसे लास्ट में ये, सो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड किए हैं ताकि एनर्जी थोड़ी पिछले ड्रॉप से ज़्यादा रहे। एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ इट साउंड्स। दिस फिल, इस फिल में मैंने क्या किया है, जो ब्रेकडाउन सिंथ होती है एपिक सिंथ, उसको ऐड किया मैंने ये। सो जो हमारा एपिक पार्ट होता है क्लाइमैक्स, उसकी सिंथ को उठा के मैंने इस फिल में लगाया। तो ब्रेकडाउन वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि हाउ आई मेड दैट एपिक पार्ट एज वेल, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट वीडियो। अब बात करते हैं बिल्डअप में क्या क्या है। दिस इज द सेकंड बिल्डअप, फर्स्ट बिल्डअप भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ एलिमेंट उसमें नहीं है, इसमें थोड़े एलिमेंट्स एक्स्ट्रा। काफी कूल स्नेयर बिल्डअप, ये भी ऑली जेम्स के पेट्रियम पैक में से ही है। वही ड्रॉप लीड को ऑटोमेट किया है इसमें, पिच ऑटोमेशन है, कट ऑफ है, थोड़ी सी वॉल्यूम ऑटोमेशन भी, एंड वी हैव बेस एज वेल। वही सेम ब्रेकडाउन बेस है, ये भी मैं दिखाऊंगा ब्रेकडाउन वीडियो में। लॉट्स ऑफ राइजर्स, सो लेट्स सी अगेन पूरा बिल्डअप एक साथ कैसे साउंड करेगा। ये वोकल पार्ट मेन वोकल से जो मैंने गाने में यूज़ किया ब्रेक डाउन में। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट वन, पार्ट टू भी जल्दी अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, मैंने मिस कर दिया हो, तो कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई कर ही दूंगा। अभी उतने कमेंट आएंगे ही नहीं। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी कई सारी वीडियोज आने वाली हैं EDF पे मोस्टली। कमेंट करके सजेशन देना कैसी वीडियो लगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जा सकते हो, फॉलो कर लो यार, थोड़े फॉलोवर ही बढ़ जाएं। उस पर भी DM करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।